Hello everyone. Today we are here to discuss second chapter from class 12th English Flamingo book. The title of the chapter is Lost Spring, written by Anees Jung. So Anees Jung is a famous Indian writer who has written many books, and this chapter Lost Spring is an excerpt from her book Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. So in this chapter, the writer has expressed two stories, and both of the stories have the same theme, poverty and child labor. And both of these stories, the writer has portrayed very beautifully through these children, those who are, one of them is a rag picker and another one who is indulging in bangle making. Okay, so students, let's begin this chapter. The first summary we have is, sometimes I find a rupee in the garbage. The story starts when the writer Anees Jung met a boy, Sahib, who is a rag picker in Simapuri, New Delhi. The writer says that his family has left his place long ago. Like, they used to live in Dhaka, which is amidst the Bangladesh. And the writer is saying their family has shifted Simapuri, New Delhi, because their home long back swept away by the storms and flood. And now they have shifted here in Simapuri, and his family is now indulged in rag picking. So when writer met Sahib, she asked Sahib, ki, why don't you go to school? Why do you do this rag picking? तो साहेब वो कहता है कि क्योंकि मेरे पास कुछ और करने को नहीं है, इसलिए मैं rag picking करता हूँ. Then writer asked, why don't you go to school? Then साहेब said, because there is no school nearby. That is the reason I don't go school. Now जब writer ये सुनती है तो ऐसे मजाक के sense में बोलते हैं, what if I start a school? Will you come? Then वो जो साहेब होता है वो थोड़ा smile करते हुए कहते हैं, yes. अब इसके बाद जो है राइटर मतलब चली जाती है, और थोड़े दिनों के बाद जब वो वापस से उसी एरिया में आती है तो उसे दूर से वही लड़का जो साहिब जिसका नाम था वो भागता हुआ आता हुआ दिखाई देता है और आकर राइटर से पूछता है कि इज़ योर स्कूल रेडी? अब मतलब क्योंकि राइटर ने तो जस्ट एक वैसे ही नॉर्मली बोला था, अब वो बच्चा जो है रियली ही वॉज विलिंग टू गो टू स्कूल और उसने इतने ही उससे पूछा कि इज़ योर स्कूल रेडी? अब राइटर बहुत एम्बैरेसिंग होती है और उसे लगता है कि किस तरह से, मतलब ये सिर्फ मेरे ही नहीं है, मतलब मेरी तरह कितने लोग जो हैं इनसे ऐसे खोखले प्रॉमिस करते होंगे कि आपके एरिया में स्कूल बनेगा, आप लोग स्कूल जाएंगे. तो इस तरह से जो है राइटर जो है वो बहुत एम्बैरेस होती है. उसके बाद राइटर उसे पूछती है, व्हाट इज़ योर नेम? देन ही सेड, माय नेम इज़ साहिब आलम. अब राइटर कहती है कि आपको, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है? तो उस बेचारे को तो पता नहीं होता, कहते हैं नो. बट राइटर कहती है कि जिस दिन इसे पता चल जाएगा कि मेरे नाम का मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, कि मैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स हूँ और मैं काम क्या कर रहा हूँ, रैग पिकिंग का. तो राइटर मतलब सोचती है कि इसका नाम और ये कितने मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट हैं. और उसके बाद राइटर पूछती है कि तुम स्लीपर्स क्यों नहीं पहनते हो, बेयरफुट क्यों रहते हो? अब वो कहते हैं, क्योंकि मेरे पास चप्पल नहीं है. अब वो दूसरा जो बच्चा बोलता है कि ये बोलता है कि मेरी मम्मा मुझे चप्पल जो है शेल्फ से उतार के नहीं देती. तो दूसरा बोलता है, अगर उतार के दे देती तो भी ये नहीं पहनता, क्योंकि ये तो हमारा ट्रेडिशन है बेयर फुट रहना. तो किस तरह से मतलब वो दिखाते हैं कि अपनी गरीबी को वो क्या बता रहे, एक ट्रेडिशन बताते हैं बच्चे, कहते हैं हमारा तो ट्रेडिशन ही ऐसा है, हम जो है नंगे पाँव ही रहते हैं. अब उसके बाद राइटर याद करती है एक इंसिडेंट जो कि उनके एक फ्रेंड ने बताया था, कि वो बात थी उडीपी की, उडीपी जगह की, जहाँ पर जो एक बच्चा है वो दिन रात मतलब भगवान से प्रे करता है कि उसे शूज़ मिल जाए. तो अब जब वो एक मतलब मंदिर में जाता है और उसके जो फादर होते हैं वो पुजारी होते हैं, और वो मतलब प्रे करता था कि भगवान जी मुझे शूज़ दे दो, और जब मुझे शूज़ मिल जाएंगे मैं उनका ध्यान रखूँगा, उन्हें खोने नहीं दूंगा, गुम नहीं होने दूंगा. तो अब वो राइटर बताते हैं कि जब थोड़े टाइम बाद वो जो उनका फ्रेंड उस जगह पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जो बच्चे होते हैं, वहाँ पर बच्चों ने शूज़ पहन रखे होते हैं और स्कूल जा रहे होते हैं. मतलब पहले उस टाइम पे वो स्कूल नहीं जाते थे, गरीब थे, तो अब कैसे कि मतलब टाइम जो था चेंज हो गया था वहाँ के लिए.
लेकिन राइटर जो है अब इस समय याद करती है कि उन लोगों का तो टाइम चेंज हो गया था, उन लोगों के तो दिन अच्छे आ गए थे, लेकिन जो ये सीमापुरी के ये जो लोग हैं इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। और ये बच्चे जो हैं अभी भी बेयर फुट है। अब इसी तरह से राइटर बताती हैं कि यहाँ पर एटलीस्ट 10,000 अदर शूलेस रैग पिकर्स हैं साहिब की तरह हैं, जिनके पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। और ये लोग कहाँ रहते हैं, दे लिव इन सीमापुरी ऑन द आउटर एज ऑफ दिल्ली। अब वहाँ पर जहाँ ये रहते हैं वहाँ इनके घर कैसे होते हैं, मिट्टी के घर बने होते हैं, जो इनके घर की छतें होती है टिन की होती है और तिरपाल भी लग रहा होता है। वहाँ पे ना प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज़, ड्रेनेज फैसिलिटीज, सीवेज कुछ भी नहीं होता है। और ये लोग क्या कहते हैं कि हम बहुत साल पहले बांग्लादेश से, मतलब 1971 के आसपास ये बताते हैं कि हम लोग वहाँ से आकर वो जगह छोड़कर यहाँ रहने आ गए थे, और अभी तक इन लोगों के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड कुछ नहीं है। बस इन लोगों की क्या बने हुए हैं, राशन कार्ड बने हुए हैं जिनसे इनको अनाज मिल जाता है। और ये लोग क्या कहते हैं कि फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एनी आइडेंटिटी। मतलब दे हैव द राइट टू वोट, और जो यहाँ पर गवर्नमेंट है वोट के लिए उन्होंने क्या कर रखे हैं, इनके राशन कार्ड बना रखे हैं, और इन राशन कार्ड से इन्हें खाना पीना मिल जाता है, अनाज मिल जाता है, दैट इज़ सफिशियंट दे सेड। दे जब इनसे पूछा राइटर ने कि आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, देन दे सेड फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। अब ये कहते हैं वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिएंट होम। जहाँ कहीं उन्हें घर काम मिलता है, खाने को मिलता है, ये वहीं पर अपना टेंट गाड़ देते हैं और रहने लग जाते हैं। और जो बच्चे हैं वो भी उनके साथ वहीं पर रहने लग जाते हैं, और ये बच्चे जो हैं इनके क्या बन जाता है, मतलब इनके साथ साथ वहीं पर जीने लग जाते हैं। और जीने का इनका सोर्स क्या होता है, रैग पिकिंग। जितने भी वहाँ पर लोग हैं वो किस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, रैग पिकिंग में। और रैग पिकिंग एक तरह से उनके लिए एक आर्ट बन गया है। बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे बोलते हैं रैग पिकिंग इज़ गोल्ड फॉर देम, इट इज़ देयर बिकॉज वहाँ पर जो है रैग पिकिंग में वो कहते हैं कभी हमें इसमें कुछ मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है। अब वो बच्चे कहते हैं कि हमारे लिए, अब ये जो बच्चे हैं जो मतलब कूड़े के ढेर को देखते हैं, कूड़े का ढेर इन बच्चों के फादर, उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए क्या है, एक जीने का जरिया है। लेकिन इन बच्चों के लिए वही कूड़े का ढेर क्या है, फुल ऑफ सरप्राइजेस, बिकॉज दे सेड समटाइम्स वी फाइंड अ रुपी एंड इवन समटाइम 10 रुपीज नोट। तो कभी कभी इनको कहते हैं कि हमें इसमें से 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। और कभी कभी तो क्या करता है, अगर वो उस कूड़े को मतलब और ज़्यादा कूड़े देते हैं तो उन्हें एक आध बार क्या मिला हुआ है, सिल्वर कॉइन भी मिला हुआ है, जिससे इनकी उम्मीद बढ़ जाती है, ये और ज़्यादा उन कूड़े को ढूंढने लग जाते हैं ताकि इन्हें इस उम्मीद से कि शायद इन्हें और भी कुछ यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे राइटर बताती हैं कि एक दिन सुबह के टाइम जब ऑथर देखती हैं कि जो साहिब है वो एक फेंस वाले गेट के बाद, जो पड़ोस में उनके वहाँ एक क्लब होता है उसके फेंसिंग गेट के बाहर खड़ा होता है, और ही वॉज वॉचिंग टू यंग मैन प्लेइंग टेनिस। अब वहाँ पे वो टेनिस खेलते हुए दो लोगों को देखता है, और उन लोगों ने क्या कर रखा होता है, वाइट कलर की ड्रेस पहनी होती है। साहिब उस गेम को बहुत पसंद करता है, और वो कहता है कि उसे ये गेम देखना बहुत अच्छा लगता है। और उसने भी, साहिब ने भी उस समय क्या किया होता है, शूज़ पहने होते हैं, टेनिस शूज। और वो शूज़ कैसे होते हैं, किसी पर्सन के डिस्कार्डेड शूज़ होते हैं, मतलब जब किसी लोगों ने मतलब अपने पुराने शूज़ फेंक दिए होते हैं तो वो शूज़ जो हैं साहिब को मिल गए होते हैं, तो साहिब ने वो शूज़ पहन रखे होते हैं उस समय। अब राइटर यहाँ पर कहती है कि जो शूज़ उसने पहने हुए थे उनमें एक में होल था, छेद हो रखा था, तो जिससे पता चल रहा था कि ये शूज़ जो हैं किसी ने फेंक दिए होंगे और जो है साहिब को मिल गया और उसने पहन रखे हैं। लेकिन यहाँ पर ऑथर कहती है कि एक ऐसे बच्चे के लिए जो हमेशा नंगे पैर रहता है और सपने में ही उसने शूज़ देख रखे हों, उसके लिए फटे हुए शूज़ पहनना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब उसके कुछ दिनों बाद क्या होता है, राइटर बताती हैं कि एक सुबह साहिब जो है उसे फिर से मिलता है, जिसमें जब मिल्क बूथ के रास्ते पे जा रहा होता है, मतलब दूध लेने जा रहा होता है। उस टाइम को, उस बात को बहुत दिन हो जाते हैं जब मतलब साहिब को वो देखती हैं
रैग पिकिंग करते हुए और किस तरह से वो फेंसिंग वाले गेट के बाहर खड़े होकर क्लब के बाहर जो है टेनिस गेम देख रहा होता है, तो उस समय सारे मतलब वो रैग पिकिंग वाली बातें उसको याद होती है कि जो है ये साहिब है बहुत ही अपनी रैग पिकर है और अपनी लाइफ को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। अब आफ्टर सम टाइम व्हेन ही सॉ साहिब अगेन और ही वॉज गोइंग टू मिल्क बूथ और उसके हाथ में क्या था, एक स्टील का कनस्तर था। अब जो साहिब था वो एक टी स्टॉल पे काम करने लग गया था और उसको जो है 800 रुपीज़ और उसको खाना मिल रहा था, ये उसका 800 रुपीज़ एज अ सैलरी और वहीं पर उसको खाना पीना मिल रहा था। नाउ राइटर कहती है कि जब वे उसे पहले मिलती थी तो ही वॉज फ्री बट ही वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि वो उसी चीज़ को इंजॉय कर रहा था, लेकिन आज जब उसे काम मिल गया है बट साहिब क्या है इज़ नो लॉन्गर हिज मास्टर, वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा। हिज फेस हैज लॉस्ट दैट केयर फ्री लुक, जो उसके फेस पे बड़ा ही मतलब केयर फ्री जो वो घूमता था वो जो लुक था वो कहीं खो गया था। ही डजंट सीम हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, अब उसे टी स्टॉल पे काम करके वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ साहिब आलम एंड द फर्स्ट स्टोरी एंड्स हियर। नाउ प्रोसीड टू द सेकंड स्टोरी एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। द सेकंड स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन ऑथर कम्स अक्रॉस मुकेश इन फिरोजाबाद। हिज फैमिली इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग बट मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही सेज। अब फिरोजाबाद जो कि एक बहुत ही फेमस है बैंगल मेकिंग के लिए, पूरा जो ये सिटी है फिरोजाबाद यहाँ पे जिस जितनी भी फैमिलीज रहती है वो सब बैंगल मेकिंग में ही इन्वॉल्व हैं। अब ऐसी फैमिलीज जिन्होंने अपनी जनरेशन स्पेंड कर दी है बैंगल मेकिंग में, वहाँ की फैमिलीज ने अपनी कई जनरेशन जो है फर्नेसेस भट्टियों में और शीशे वेल्डिंग करने में और बैंगल बनाने में अपनी पूरी लाइफ बिता दी थी, तो बिता दी है मतलब जो फिरोजाबाद की जो मैक्सिमम जो फैमिलीज जो मैक्सिमम वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो इसी काम में कई जनरेशन से इन्वॉल्व हैं और मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक थी। और इन लोगों में ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बड़े लोग ही इस मतलब बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व थे, बल्कि ये इन्होंने अपने बच्चों अपनी पूरी फैमिलीज को इस काम में इन्वॉल्व कर रखा था। और यहाँ पर राइटर कहती हैं कि इन लोगों को ये नहीं पता था कि इस तरह से जो ये चाइल्ड लेबर कराना बच्चों से इस एज में, ये जो बच्चों के खेलने कूदने की उम्र है इस उम्र में ये लोग क्या करते हैं, बच्चों को एक छोटी सी आप देख रहे हो कैसे ये स्क्रीन है ऐसी छोटी सी इनकी एक कोठरी टाइप से होती है जिसमें हवा और लाइट जो है बहुत कम होती है, जहाँ पर ये अपनी क्या करते हैं भट्टी के आगे बैठकर इतने हाई टेम्परेचर पर चूड़ियाँ बनाते हैं इन, वहाँ पर ये अपनी आँखें इनके आँखों की आईसाइट भी ख़त्म हो जाती है और इन लोगों को मतलब ये दे पीपल आर इन्फोर्स टू डू सच काइंड ऑफ वर्क, इवन द चिल्ड्रन आर इम्पोज बाय सच काइंड ऑफ वर्क्स। सो यहाँ पर जो है लाइक मुकेश ऑलमोस्ट 20,000 चिल्ड्रन आर वर्किंग इन द हॉट फर्नेसेस एंड दे इवन डोंट अवेयर अबाउट सच काइंड ऑफ लॉ दैट चाइल्ड लेबर और इस एज में जो है बच्चों को ऐसे कोठरी में काम करवाना जो है लॉ के अगेंस्ट है और इसके अगेंस्ट जो है इनको ये जो है केस वगैरह इनके ऊपर हो सकता है, और इस तरह से इन चीज़ों इन लोगों को इन चीज़ों के बारे में कुछ भी अवेयरनेस नहीं थी। अब इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा मुकेश, एक मुकेश जो लड़का था बड़ा मतलब यंग बॉय है और वो जो है वॉलेंट्री वो जब राइटर से मिलता है तो वो उससे कहते हैं कि चलो मैं आपको अपना घर दिखाने लेके चलता हूँ जो कि हम अभी अभी हमने बनवाया है रीबिल्ड करवाया है उसे। तो वो उसे ऐसे स्टिंकिंगली बहुत ही स्मेल वाली छोटी छोटी गलियों में से लेकर जाता है, जहाँ रास्ते में जो राइटर है वो देखती है कि जो वहाँ पे छोटे छोटे घर मिट्टी के बने हुए हैं और उनके जो दरवाजे हैं उनकी जो दीवारें हैं वो बिल्कुल इतनी वीक हैं, दरवाजे ऐसे हिल रहे हैं और जो वहाँ पर खिड़कियाँ हैं वो भी टूटी हुई सी हैं, एनिमल्स और ह्यूमन सब एक ही साथ एक ही जगह पर रह रहे हैं। तो वहाँ की जो कंडीशन देखकर जो राइटर है वो सोचती हैं कि जैसे प्रेमेबल स्टेट में होता था मतलब आदि काल में जैसे लोग रहते थे वैसे, राइटर सोचती है कि ये लोग अभी भी वैसे ही रह रहे हैं, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी किसी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब आगे राइटर बताती हैं कि वो उन गलियों को
क्रॉस करते हुए एक आधी बनी हुई सी, जो आधी थोड़ी सही बनी हुई थी, एक ऐसी हट में जाते हैं जिसके एक तरफ जो होता है थैच्ड वो होता है, रूफ होता है हाउस का। थैच्ड मतलब जो जैसे सूखी घास का जो छप्पर टाइप से जैसे बन रहा होता है हट्स में, तो उस टाइप से बन रहा होता है। और वहाँ पर जो है एक लेडी जो है वो स्टोव जलाकर बड़े से बर्तन में खाना बना रही होती, और वो पतली सी लेडी मुकेश के बड़े भाई की वाइफ होती है, जिस पर उसके इस घर के तीन मैन, उसका हस्बैंड मुकेश और उनके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब उसके फादर जो कि एक पुअर बैंगल मेकर थे, बहुत सालों से इसी काम में थे। इससे पहले उन्होंने टेलरिंग का काम किया था और अब जो वो बहुत सालों से बैंगल मेकिंग में ही थे, और वो बता रहे हैं कि ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस। अब उन्होंने अपना घर रिनोवेट करा नहीं पाए थे, इतने सालों तक हार्ड वर्क करने के बाद भी उनके पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो सका था कि वो जो है अपना घर बनवा सके या अपने बच्चों को जो है स्कूल में भेज सके। बस वो इतना ही कर सके कि अपने बच्चों को जो है उन्होंने चाइल्ड बैंगल मेकिंग का काम सिखा दिया था, और अब उनके बच्चे भी जो हैं वो उन्हीं के साथ बैंगल मेकिंग के काम में उनकी हेल्प करते थे, और उनके यही बिजनेस वो चला रहे थे। अब मुकेश की जो ग्रैंड मदर थी वो बताती हैं राइटर को कि उनके हस्बैंड जो थे वो भी ये काम करते करते अंधे हो गए थे, क्योंकि ग्लास मेकिंग जो जगह होती है, जो फर्नेस होती है, वहाँ पर बहुत कम लाइट होती है, और जो आग के आगे भट्टी के आगे बैठ के उनको काम करना होता है, जिससे कि उन्होंने अपनी आईसाइट लूज़ कर ली थी। वैसे ही वो बताती है कि अब ये हमारी फैमिली की मतलब एक परंपरा सी बन गई है। अब कहते हैं कि भगवान ने जो हमारे लिए जो ये काम ढूंढा है, या यूँ कह सकते हैं कि भगवान ने जो ये हमारे लिए काम निश्चित किया है, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते, उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, और यही वजह है कि हमारे यहाँ पे सारे जो लोग हैं वो बैंगल मेकिंग के काम में ही लगे हुए हैं। इवन बॉयज़ गर्ल्स सिट विद देयर फादर एंड मदर एंड वेल्ड द पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास इन टू द सर्कल ऑफ बैंगल्स। दे वर्क इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल पंप्स ऑयल लैम्प्स। Their eyes are more adjusted to dark than to the light outside. They often end up losing their eyesight before they become adults. अब यहाँ पर बताते हैं, राइटर कहती हैं कि ये जो बच्चे हैं अपने आप को इतना एडजस्ट कर लिया था उन्होंने भट्टियों के आगे बैठकर बैंगल्स को जो वेल्ड करने का काम था, अंधेरे में अपनी आंखें इतनी एडजस्ट कर ली थी कि बल्कि इन्हें बाहर लाइट में आकर दिक्कत होती थी, और इसी यही रीज़न है कि उनके बड़े होने से पहले ही जो था वो अपने आंखों की रोशनी खो देते थे ये बच्चे। अब आगे राइटर बताती हैं कि जब वो आगे देखती हैं तो वहाँ पर एक सविता, एक यंग गर्ल जो होती है, वो एक एल्डर वुमेन के साथ बैठी होती है और ग्लास के जो पीसीज होते हैं उनको जोड़ रही होती है, और उनकी जो हाथ है उन मशीन पर बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं। ऐसे लगता है कि मतलब वो इन चीज़ों में वो परफेक्शन उन्हें मिल गई है। अब वो कहती हैं कि ये जो ओल्ड वुमेन है इसने तो अपनी मतलब लाइफ इंजॉय कर ली है, लेकिन ये जो लड़की है इसे शायद ये नहीं पता कि ये जो बैंगल्स हैं उन बैंगल्स का लाइफ में मतलब क्या इम्पोर्टेंस होती है। उन्हें उस लड़की को शायद ये नहीं पता कि ये जो बैंगल्स हैं ये ही एक सेंसिटिविटी का सिंबल होते हैं, पवित्रता के सिंबल होते हैं, कि जब कभी इसकी शादी होगी तो वो भी कभी ऐसे बैंगल्स पहनेगी, और जैसे इसके पास में जो एक लेडी बैठी है, बड़ी लेडी है, जिसकी भी कभी पहले शादी हुई थी और उसने वो भी नई दुल्हन बनकर उसने इन बैंगल्स को पहना होगा, और अभी तक वो बैंगल्स पहन रही होगी, क्योंकि ये जो बैंगल्स पहनना इंडिया में एक तरह से मैरिड वीमेन के लिए सुहाग की तरह होती है। तो यहाँ पर राइटर कहती है ये जो यंग लड़की जो ये चूड़ियाँ बना रही है शायद उसे इन चूड़ियों की अहमियत के बारे में नहीं पता होगा, और वो जो एल्डर वुमेन उसके साथ बैठी है उसके हाथों में अभी भी चूड़ियाँ हैं लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है उसके। और वो क्या कहती है, वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया अपनी पूरी लाइफ में, वो कहती है कि हमने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, इतना हार्डवर्क करने के बाद भी जो है हमारे पास हमें जो है पेट भर के खाना खाने को भी नहीं मिलता है। तब राइटर उनसे पूछती है कि वो कुछ और काम क्यों नहीं कर लेती हैं, तो वो बताती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इसके अलावा कुछ और सोच सकें।
अब राइटर बताती हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो यंग मैन हैं, जो यहाँ के यंग लोग हैं, वो भी अपने बड़ों की भाषा बोलते हैं, मतलब वो भी यही काम करते हैं और समय के साथ यहाँ पर कुछ नहीं बदला है। अब आगे राइटर बताती हैं कि ये लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना ज़्यादा थक चुके होते हैं कि इनका जो दिमाग है वो भी काम करना बंद कर देता है। अब राइटर आगे पूछती हैं कि why not organize yourself into a cooperative? आप लोग cooperative में काम क्यों नहीं करते हो? मैंने एक young man से writer कहती है, जब मैंने पूछा तो उसने बोला कि हम जो है किस में फंस चुकी हैं, एक vicious circle है यहाँ पे, एक तरह से middle man का जो बिचौलिए होते हैं, जैसे कहते हैं कि हम लोग उसमें फंस चुके हैं, हमारे फादर्स और फोर फादर जो हैं हम उसमें फंस चुके हैं। अगर हम कुछ ऑर्गेनाइज कर भी लेते हैं तो हमें ये डर रहता है कि कहीं पुलिस वाले जो हैं हमें खींचकर बहुत ज़्यादा मारे नहीं और हमें जेल में बंद ना कर दें, क्योंकि हम लोगों के बीच में कोई लीडर नहीं है जो कि हमारे इस हेल्प कर सके, हम लोगों का नज़रिया बदल सके या हम लोगों को इस काम से हटा के दूसरे काम में इन्वॉल्व करा सके। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर राइटर क्या बता रही हैं, ये लोग जो है गरीबी से दब चुके हैं और ये लोग जो हैं इनको इस गरीबी के जाल में फंसाया जा रहा है कि इनके द्वारा साहूकारों के द्वारा, एक ये विशेष सर्कल है, एक इलीगल सा एक ऐसा सर्कल है जिसमें साहूकार, पुलिसमैन, बिचौलिए और ये जो बड़े बड़े सरकारी अफसर होते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कहते ये लोग ही ऐसे हैं जो इनको इनके कामों से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, इनको और भी ज़्यादा गरीबी से दबाए जा रहे हैं। तो इस तरह से जब राइटर मुकेश से मिलती है तो मुकेश जो है वो इस एरिया में, ही इज़ ऑल्सो इन द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, बट स्टिल ही सेज दैट आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता है, वॉन्ट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो इस तरह से राइटर कहती है कि जब मैं मुकेश की मैंने ऐसी बात सुनी तो राइटर यहाँ कहती है कि आई एम सो चीयर्ड, मैं बहुत खुश हुई, आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, मुझे मुकेश में जो है ये एक चमक सी दिखी, एक उसकी आँखों में एक चमक दिखी कि उसने जो है एटलीस्ट कुछ और सोचा तो सही। तो इस तरह से जो राइटर है उसने दो यहाँ पर स्टोरीज मेंशन की है स्टूडेंट्स, एक स्टोरी जिसमें रैग पिकिंग में साहिब की स्टोरी है और दूसरा जो मुकेश हु इज़ इंडल्ज इन बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। सो बोथ आर स्ट्रिकन बाय पॉवर्टी एंड बोथ आर इम्पोज्ड ऑफ चाइल्ड लेबर। सो थ्रू दीज टू स्टोरीज द राइटर हैज़ ब्यूटिफुली पोर्ट्रेट द स्ट्रीट चिल्ड्रन इंडल्ज इन चाइल्ड लेबर। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। थैंक यू।